हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुभव वार्ष्णेय है। मैं 11th के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि जेई मेन और एडवांस में और नीट में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और थोड़े ट्रिकी टॉपिक्स होते हैं, उनका एक क्विक रिवीजन देना चाहूंगा। इस कड़ी में मेरा पहला टॉपिक रहेगा SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से रेगुलरली क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ इसके बेसिक मोशन के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसमें पहला मोशन है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि ऐसा मोशन जो कि एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद में दोहराया जाता है, उस तरह के मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है कि सन के चारों तरफ अर्थ का मोशन या अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट का मोशन, जो कि एक डेफिनेट टाइम के इंटरवल के बाद में अपने पाथ को दोहराता रहता है। इसमें खास बात होती है कि पीरियोडिक मोशन में यह पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब पार्टिकल का पाथ कुछ भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, इलेप्टिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि यह पाथ इंडिपेंडेंट होता है। नंबर टू, दूसरा मोशन होता है हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ऐसा मोशन जो कि एक पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन होता है, उसके मोशन को हम लोग, उस तरह के मोशन को हम लोग हार्मोनिक मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक पार्टिकल इस पॉइंट को हम लोग मीन पोजिशन कहेंगे, इस मीन पोजिशन के टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी है कि पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन दो इंडिपेंडेंट मोशंस हैं, इनमें आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। एक मोशन पीरियोडिक भी हो सकता है और हार्मोनिक भी हो सकता है। एक मोशन ऐसे भी हो सकता है कि वह पीरियोडिक हो लेकिन हार्मोनिक ना हो, यह हार्मोनिक हो लेकिन पीरियोडिक ना हो। यह क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। नंबर थर्ड, तीसरा टाइप का मोशन होता है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, SHM एक ऐसा पीरियोडिक हार्मोनिक मोशन है, मतलब SHM के लिए पीरियोडिक और हार्मोनिक होना तो आवश्यक है ही, लेकिन केवल इतना ही होने से मोशन SHM नहीं होता। SHM होने के लिए दो तीन शर्तें जरूरी हैं। उसमें क्या शर्त जरूरी होती है कि अगर एक कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट करता है जो कि हमेशा मीन पोजिशन की तरफ एक्ट करता है। इस फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, रीस्टोरिंग। तो ये शब्द अपने आप में बता रहा है, रीस्टोर करना यानी कि पार्टिकल को दोबारा मेन पोजीशन पर लाने का ट्राई करता है। तो ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स होता है। ये रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड इस पार्टिकल के मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एफ इज इक्वल टू होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये माइनस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो अगर मैं इसे खोलू तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एक्स। यहां पर के एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। यहां बच्चों जे एडवांस में एक दो बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहां पे के से रिलेटेड बात की उन्होंने, हमने एक क्वेश्चन बना के भी पूछा कि अगर के की वैल्यू नेगेटिव होगी तब भी क्या SHM होगा या नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है ये कि हमेशा पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको क्वेश्चन को आगे खोलूं तो f इज इक्वल, f को अगर मैं कह सकता हूं कि m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस kx, तो ऐसे कह सकते हैं अपन लोग इसे d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाय m इंटू x इज इक्वल टू जीरो। ये शायद आप लोग समझ में आ गया होगा। ये k बाय m को हम ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसे हम डायमेंशनल एनालिसिस से मेथड से निकाल सकते हैं। तो हम इसको अगर सोल्व करें तो आती है इक्वेशन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। बच्चों ध्यान रखना है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। मतलब ये कोई भी पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसके लिए ये बिल्कुल बेसिक इक्वेशन होगी, ये उसका लिटमस टेस्ट होगा। मतलब हम ऐसा नहीं कहते, कई बार इस तरह बच्चे सोच रहे होते हैं कि एक पार्टिकल इधर उधर जा रहा है तो बोल देते हैं SHM, नहीं नहीं
एसएचएम के लिए ये वाला टेस्ट पास करना जरूरी है। जैसे कि तुम्हें आईआईटी में जाने के लिए तुम्हें जेई एडवांस पास करना जरूरी है, वैसे ही एसएचएम के होने के लिए ये वाला टेस्ट पास करना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। आप इसको बच्चों अच्छे से समझ लो, नोट कर लो, फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू करूं। तो बच्चों तुमने देखा कि मैंने बताया कि डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम बच्चों दो तरह का हो सकता है, वन इज लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम, तो लीनियर एसएचएम की पहचान कैसे होती है? लीनियर एसएचएम में पार्टिकल का जो मोशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा होता है, जबकि एंगुलर एसएचएम में पार्टिकल जो है वो एक एक्सिस के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। तो इस तरह के मोशन को एंगुलर एसएचएम कहते हैं और जो पहले वाला बताया उसमें लीनियर एसएचएम कहते हैं। तो लीनियर एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है और एंगुलर एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। यहां पे थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। दोस्तों तुम्हें ये ध्यान रखना होता है कि ये जो इक्वेशन बनाई हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसको हम लोग ऑपरेटर इक्वेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जो कि किसी भी मोशन की स्पेसिफिक इक्वेशन हो, उस तरह के इक्वेशन को हम लोग ऑपरेटर इक्वेशन कहते हैं। तो ऑपरेटर इक्वेशन का मतलब क्या है यहां पे कि डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों जो क्वांटिटी हम यहां पे डालें और वही क्वांटिटी अगर यहां पे आ रही है तो वो भी एक एसएचएम की इक्वेशन होगी। जैसे तुम अभी ट्वेल्थ में पढ़ोगे एक टॉपिक जिसमें लगता है कि इसमें चार्ज पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा होता है, करंट भी एसएचएम कर रही होती है। तो अगर मैं कह दूं कि डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू जीरो, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं कहूंगा चार्ज भी एसएचएम कर रहा है। तो तुम्हें इसे ऑपरेटर इक्वेशन की तरह देखना है। यहां पे जो क्वांटिटी आ रही है वही क्वांटिटी यहां पे आ रही है, तो ये एक एसएचएम की इक्वेशन होगी। ये बहुत काम की इक्वेशन है, इसको आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अब दोस्तों एक बात और इंपॉर्टेंट है, क्या यहां पे जीरो आना जरूरी है कि डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, यही आना जरूरी है? नहीं, जीरो होना जरूरी नहीं है। ये अगर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी आ जाता है तब भी वो एसएचएम की इक्वेशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामने जीरो है तब भी एसएचएम है और सामने कॉन्स्टेंट है तब भी एसएचएम है, ठीक है? तो अब हमने ये तो समझ लिया भाई कि इक्वेशन क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये हमारे बात समझ में आ गई। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि अगर इन इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे तो क्या इक्वेशन आती है। तो दोस्तों देखें जरा कि अगर हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म में इक्वेशन मिलती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इसके इंटीग्रेटेड फॉर्म में इक्वेशन है। अब यहां पे बहुत सारे टर्म्स आ गए, y आ गया, a आ गया, ओमेगा, फाइव, ये सारे टर्म्स आ रहे हैं। ये टर्म्स हमसे क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझ लेते हैं। यहां पर वाई क्या है? यहां पर वाई बच्चों डिस्प्लेसमेंट, वाई इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन, यानी कि ये पार्टिकल की मीन पोजिशन से डिस्टेंस को बता रहा होगा, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। ए इज द एम्पलीट्यूड,
एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वाई इज नोन एज, यानी कि एक पार्टिकल मीन पोजिशन से मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है उसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे। एम्पलीट्यूड की कई सारी डेफिनेशंस और भी प्राप्त करूंगा मैं आपको, ठीक है। नंबर थर्ड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है कि एक कोई पार्टिकल अपने पाथ को मिनिमम कितनी देर में दोहरा रहा है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो तुमने पढ़ा होगा कि टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी पाई। अब यहां पे बच्चों ये बात समझनी है कि ये पूरा टर्म हमसे क्या कहना चाह रहा है। तुम देख रहे होगे कि यहां पे अगर जो भी इक्वेशन हो उससे पहले साइड पे कन्वर्ट कर लो, तो जो साइन का आर्ग्यूमेंट होता है, साइन का आर्ग्यूमेंट वो फेज कहलाता है, फेज। तो अब एक नया टर्म आ गया, फेज। फेज क्या होता है? फेज पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। तो एक फेज से हम एक फेज बता के हम पार्टिकल के हालात के बारे में बता सकते हैं कि पार्टिकल कहां पर है और किधर जाना चाह रहा है, ये हम बता सकते हैं। तो इसको, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फेज कहते हैं। तो फेज पहचानने में कई बार दिक्कतें होती है बच्चों को, तो बच्चों तुम लोग इस बात का ध्यान रखोगे जब भी तुम्हें फेज पहचानना हो तो तुम्हें हमेशा क्या करना है, इक्वेशन को साइन के टर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे इक्वेशन मान लो आ जाए वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तो तुम्हें क्या करना है? यहां ये बोला है कि ओमेगा टी इज द फेज, नहीं गलत। आपको क्या करना है? वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो व्हाट इज द फेज? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। हमेशा साइन के टर्म में कन्वर्ट करके ही बोलना है, ये इसका बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो हमारे पास समझ में आ गया फेज क्या है। व्हाट इज फाई? फाई, तो अगर मैं क्या करूं, टी इज इक्वल टू जीरो डाल दूं, तो जो मेरा फेज होगा वो क्या हो जाएगा? फाई। इसे कहते हैं इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज इज द फाई, या इसे हम लोग इपोक भी कहते हैं, इपोक, इनिशियल फेज या फेज, फेज कॉन्स्टेंट। ओके, तो हमारे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म में इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस y। तो मैं इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करना नहीं सीखना है, कोई मतलब नहीं है। तो बस ये समझना है कि इस इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन ये होता है और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है, फाइन। ओके, अब मैंने बताया था कि सामने जीरो हो तब भी ये एक ऐसा टर्म होगा, और सामने अगर एक कॉन्स्टेंट हो तब भी ऐसा टर्म होगा। दोस्त, अगर ये सामने कॉन्स्टेंट आता है तो इसका मतलब क्या होता है? अगर सामने कांस्टेंट आ गया तो इसका मतलब क्या होता है? डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो तब भी बच्चों ये एक ऐसे टर्म की इक्वेशन होती है, लेकिन इसमें एक खास बात होती है। खास बात क्या होती है कि अगर मैं कहूं कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो कहां पर है, देखो बच्चों जहां पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होता है, आगे मैं समझाऊंगा भी, उसे मीन पोजिशन कहते हैं। तो बच्चों अगर मैं पूछूं भाई कि डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर यानी कि एक्सेलरेशन जीरो कहां पर है, तुम कहोगे जीरो कहां पर हो रहा है? जहां पे एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है? एक्स की वैल्यू सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो रही है। तो यानी कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जब एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर है, तब वहां पर पार्टिकल की मीन पोजिशन है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर मीन पोजिशन और ओरिजिन अलग अलग है, जबकि इस वाली इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि मीन पोजिशन और ओरिजिन सेम है। तो तुम्हें नटशेल में क्या समझना है? यह समझना है कि अगर सामने जीरो आया तो इसका मतलब हुआ कि मीन पोजिशन और ओरिजिन सेम जगह पर है। इसका मतलब यह हुआ कि मीन पोजिशन ओरिजिन का सेम है, यानी कि यही तुम्हारा ओरिजिन है और यही मीन पोजिशन, ठीक है। और अगर सामने कॉन्स्टेंट आ गया तो तुम ये कहोगे कि मीन पोजिशन और ओरिजिन अलग अलग है, लेट ये मीन पोजिशन है और ये ओरिजिन है। तो हम पार्टिकल को यहां से देख रहे हैं और पार्टिकल की मीन पोजिशन ये यहां पे ही ऐसा चम कर रहा है। बात समझ आ गई? तो मैं इतना से देखना है, क्या देखना है कि सामने जीरो है तो मीन पोजिशन ओरिजिन पर है, और सामने कांस्टेंट सी है तो मीन पोजिशन ओरिजिन पे नहीं है। तो यानी कि मीन पोजिशन ओरिजिन से शिफ्टेड है। तो कितना शिफ्टेड है? इतना शिफ्टेड है, एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो शायद दोस्तों तुम्हें इतनी बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि जीरो का सामने जीरो होगा तो क्या मतलब होगा, और सामने कांस्टेंट होगा तो क्या मतलब होगा। आप लोग इसे आराम से कॉपी कर लो।
तो अब बच्चों बात करते हैं अपन लोग एक्सट्रीम पोजिशन के बारे में। नंबर टू एक्सट्रीम पोजिशन। तो एक्सट्रीम पोजिशन क्या होती है? एक्सट्रीम पोजिशन होती है कि पार्टिकल कहां से कहां तक जा रहा है वो एक्सट्रीम पोजिशन लाइन। तो अब मैं इसको ऐसा कहा करूंगा ईपी वन और ईपी टू, एक्सट्रीम पोजिशन वन एंड टू। तो एक्सट्रीम पोजिशन कैसे निकालते हैं? एक्सट्रीम पोजिशन वो पोजिशन होती है जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, नहीं तो क्या कर पाते, इसे एक्सट्रीम पोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास में इक्वेशन लिखी हुई है तो हम उससे एक्सट्रीम पोजिशन कैसे निकाल लें? तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई, लेट एक टिपिकल एसएटएम की इक्वेशन है। तो आप यहां से वाई की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जहां पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? प्लस वन। साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस वन। तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? प्लस है। वाई की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? माइनस है। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी एक्सट्रीम पोजिशन कहां है? प्लस ए से माइनस ए, यानी कि पार्टिकल जो ऐसा जंप कर रहा है तो एक तो प्लस है, ये एक्सट्रीम पोजिशन हो गई और ये माइनस है। इसे करूंगा मैं ईपी वन और ईपी टू, एक्सट्रीम पोजिशन वन और एक्सट्रीम पोजिशन टू। तो चलो भाई एक्सट्रीम पोजिशन समझ में आ गई, मीन पोजिशन समझ में आ गई। तीसरी बात हमें जो निकालना आना चाहिए वो होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकाल? तो टाइम पीरियड निकालने का एक अच्छा सा ट्रिक है, आप हमेशा क्या करो, जो भी इंटीग्रेटेड फॉर्म में इक्वेशन है उसमें जो भी टी का कोफिशिएंट होगा वो टाइम पीरियड को इस तरह डिसाइड करेगा कि टी इज इक्वल टू होगा टू पाई डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी। तो जैसे इस इक्वेशन में देखो पाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो यहां पर टी का कोफिशिएंट क्या है? ओमेगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। इस तरह अपन लोग यहाँ पे टाइम पीरियड निकालेंगे। तो अपने को क्या क्या बातें निकालना आ गई एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें निकालना चाहिए मीन पोजिशन क्या होती है, एक्सट्रीम पोजिशन क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, और फिर एक बात इंपॉर्टेंट कि मीन पोजिशन जो है वो ओरिजिन पर है या शिफ्टेड। होपफुली इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। तो अब ऐसा करते हैं कि कुछ इक्वेशंस देखते हैं और उनसे इन सब चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर वन, लेट एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब भाई समझ में नहीं आ रहा कि ये एस एच एम की इक्वेशन है या नहीं, इसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं। पूछा भाई इसे करो ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, नंबर वन ये एस एच एम की इक्वेशन है या नहीं है, नंबर दूसरा चलो है टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड कितना है, एक्सट्रीम पोजिशन कौन सी है, मीन पोजिशन कौन सी है, वगैरह 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 दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले चेक करते हैं। तो सबसे ऐसा करना आपको क्या करना होता है, ऐसी जब भी क्वेश्चन आए इसको साइन के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो अपन कुछ कर सकते हैं, इसको ऐसा करते हैं इसे टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और टू से डिवाइड कर लेते हैं। तो तुम देख रहे होगे कि ये इक्वेशन क्या बन गया है, y is equal to a by 2 sin 2 omega t। तो ठीक है भाई, ये समझ में आ गया आप लोगों के बाद कि ये तो इक्वेशन जो अपने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी उससे मैच कर रही है कि y is equal to a sin omega t plus y से मैच कर रही है। तो ठीक है भाई, समझ में आ गई बात कि ऐसा चल तो कर रही है। अब ऐसा चल कर रही तो बाकी सारी बातें क्या होंगी, तो क्या क्या बातें निकाली जाए। पहला पॉइंट निकालते हैं कि इसकी मीन पोजिशन का, तो तुम्हें इस इक्वेशन से देख के पता लग गया होगा। यहाँ पे अपने ध्यान है कि जब y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस y की इक्वेशन देखी थी तो अपने कहा था कि मीन पोजिशन जो है वो कहां पे है, y इज इक्वल टू जीरो पे है। तो यहां भी कहेंगे कि इसकी मीन पोजिशन y इज इक्वल टू जीरो, मीन पोजिशन y इज इक्वल टू जीरो पे। नंबर टू एक्सट्रीम पोजिशन, तो इस वाले इक्वेशन में y की मैक्सिमम वैल्यू और y की मिनिमम वैल्यू निकालो। तो ठीक है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन और साइन की मिनिमम वैल्यू माइनस वन। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? प्लस ए बाई टू। और y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? माइनस ए बाई टू। तो हमें बात समझ में आ गई कि एक्सट्रीम पोजिशन जो है प्लस ए बाई टू और माइनस ए बाई टू। नंबर थर्ड एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं कि y की मैक्सिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? a/2। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया इसका? a/2।
में करना क्या है कि जो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की डिस्टेंस मैग्नीट्यूड लाती है। तो तुमने देखा कि भैया वाई इज इक्वल टू जीरो पर मीन पोजीशन है, y is equal to a by 2 per plus a by 2 per extreme position है ep1, y is equal to minus a by 2 per extreme position। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या कहलाएगी? amplitude। amplitude कितना होगा यहाँ पे? a by। amplitude is a by। तो ये भी समझ में आ गया। पॉइंट नंबर चौथा। अब हमें क्या निकालना है इसका? टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड का मैट्रिक बताइए तुम लोगों को, 2 पाई डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t। तो इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ t कितना है? t का गुणज कोफिशिएंट कितना है? 2 मेगा। तो 2 मेगा लिख दिया जाए तो टाइम पीरियड कितना हो गया दोस्त? 5 पाई। तो देखो इस इक्वेशन से हमें सारी बातें समझ में आ गई कि क्या-क्या चीज निकालनी है, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड वगैरह वगैरह हमने सब कुछ निकाल लिया। ठीक है, अब यहां से एक बात और निकालना सीखते हैं अपन कि पार्टिकल स्टार्ट कहां से होता है, पार्टिकल का मोशन स्टार्ट कहां से होता है, किस पोजीशन से स्टार्ट होता है। तो तुम्हें करना क्या होता है कि t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो t की वैल्यू जीरो डालोगे तो ये वाली क्वांटिटी जीरो, तो ये वाली क्वांटिटी जीरो, सो y इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है? मीन पोजिशन से। तो पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजिशन। कर लिया पॉइंट नंबर 6। फेज क्या है? इट्स अ फेज। तो मैं तुम लोगों को बताया था कि साइन का जो आर्गुमेंट होगा वो फेज होगा। तो यहां पे साइन का आर्गुमेंट कितना है? 2 ओमेगा टी। ओमेगा टी है 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी। तो इसका उसका फेज कितना हो गया? पॉइंट नंबर 7। इनिशियल फेज क्या? इनिशियल फेज दोस्त क्या कहा था मैंने? इनिशियल फेज क्या होता है कि t is equal to 0 पर जो फेज होता है उसे हम लोग इनिशियल फेज कहते हैं। तो t is equal to 0 डाल दो तो ये वाली क्वांटिटी 0, तो इनिशियल फेज इज इक्वल टू 0। तो देखो इस पूरी इक्वेशन का ऑपरेशन कर दिया अपन ने, सब चीजें निकाल दी जो चीज निकाल सकते हैं। अब देखो भाई ये टोटल 5-6 क्वेश्चंस है नीट में या जेईई मेंस में आए हुए 5-6 क्वेश्चंस। ठीक है दोस्त, चलो अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। लेट दे रखा है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा t। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि ये एसएचएम है या नहीं, और बाकी सारे क्वेश्चन जो तो अभी सिद्ध कराए थे मैंने 5-7 क्वेश्चन वो सब निकाल दिए। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे कुछ हो सकती है। तो जो अपन ने बेसिक इक्वेशन देखी थी y is equal to a sin omega t plus pi, उससे क्या मैच खाती दिख रही है? नहीं दिख रही। क्या करें, इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं? लेट मैं ऐसा कह देता हूं कि a is equal to r cos pi। लेट और b is equal to r sin pi। ये सब्स्टिट्यूट तो यहां पे क्या मामला आ गया? y is equal to r cos pi sin omega t plus r sin pi cos omega t। तो भैया ऐसा करते हैं r को मान लेते हैं, तो क्या मामला हो गया? sin omega t cos pi plus cos omega t sin pi। अरे ये क्या चीज है भाई, sin omega t cos pi plus cos omega t sin pi, sin a cos b plus cos a sin b, ये क्या होता है भाई? हमने एक क्वेश्चन पढ़ी होगी sin a plus b is equal to क्या होता है? sin a cos b plus cos a sin b, ये तो पढ़ रखा है आपने। तो ये से मैच कर रहा है, तो देख लेते क्या हो गया। y is equal to r sin omega t plus pi। अरे वाह दोस्त, इक्वेशन आ गई y is equal to r sin omega t plus 1। लेट इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2।
वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस वाई, ये तो भैया अपनी इक्वेशन से मैच कर रही है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई से मैच कर रही है, तो हमारे समझ आ गया कि ये एसएचएम तो है, तो पार्टिकल तो एसएचएम कर रहा है पक्की बात। अगर ये इक्वेशन आई और हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एसएचएम है नहीं, तो चिल्ला के हो गए भैया एसएचएम तो है, ठीक है एसएचएम है, बाकी सारी बातें निकालो। कैसे निकाला जाए, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर करके एड कर लू तो क्या निकल के आएगा, स्क्वायर करो और एड कर लो तो तुम देखोगे क्या निकल के आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो बन होता है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ठीक है ये आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब एक काम और करते हैं, फाइव की वैल्यू और निकाली जाए, तो फाइव की वैल्यू निकालने के लिए एक काम करते हैं, यही निकाल लेते हैं इसमें से इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को डिवाइड कर लेते हैं, तो आर उड़ जाएगा तो आ जाएगा टेन फाइव इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बी डिवाइडेड बाई ए, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो अपने तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कितना है भाई फाई कितना है, तो फाई इज इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स बी डिवाइडेड बाई ए, इसको उठा के यहाँ डालता हूँ, फाई इज इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स बी डिवाइडेड बाई ए, और वही बात अब आगे इक्वेशन, अब ये अपनी पूरी टनाटन इक्वेशन आ गई, क्योंकि एसएचएम की इक्वेशन हमने इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ी थी, वही करके आई। अब हम एग्जामिनर से कह सकते हैं भाई पूछो भाई क्या क्या पूछ सकता है, तो क्या क्या पूछे, पहले चेक करते हैं हमारी इस वाली इक्वेशन से मैच कर रही है, और ये वाली इक्वेशन मालूम है यहाँ पे क्या होता है, मीन पोजिशन कहाँ पे होती है, ओरिजिन पे होती है, तो ठीक है भाई पहला क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा कि भैया मीन पोजिशन बताओ, तो कहोगे मीन पोजिशन कहाँ पे है, ओरिजिन, नंबर टू एक्सट्रीम पोजीशन बताओ कैसे होते हैं कैसे निकालते हैं भाई, सोचो सोचो कैसे करते थे कि भाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे भाई की मिनिमम वैल्यू निकालते थे, तो भाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, तो भाई की मैक्सिमम वैल्यू हो गई प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई की मिनिमम वैल्यू ये वाली वैल्यू माइनस वन में डाल देंगे तो भाई मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जुगाड़ होती है दोस्तों क्वेश्चन निकालना नहीं आ रही हो, एक्सट्रीम पोजीशन ब्रो निकाल लो निकाल ली उसका मिड पॉइंट मीन पोजीशन, ये ट्रिक होती ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है दोनों चीज निकाल दिए अपने, नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या निकाला जाए, निकाला जाए टाइम पीरियड कितना, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की जुगाड़ क्या बताई थी मैंने, टू पाई डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी, टी का कोफिशिएंट कितना ओमेगा, ओमेगा फिर भी पॉइंट नंबर 4, अब क्या निकाला जाए, फेज क्या होगा, फेज कहाँ है, साइन का आर्गुमेंट ये वाला पूरा फेज है, तो फेज क्या हो गया ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स बी डिवाइडेड बाई ये फेज आ गया, चलो पांचवा पॉइंट इनिशियल फेज क्या, इनिशियल फेज टी इज इक्वल टू जीरो डाल दिया जाए तो इनिशियल फेज वन पड़ जाता है, तो आप कहोगे भैया इनिशियल फेज क्या है इक्वल टू टेन इनवर्स बी वाई, पॉइंट नंबर 6 क्या पूछ सकता है भाई, क्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि बताओ पार्टिकल स्टार्ट कहां से होगा, तो ठीक है बड़ा आसान टी इक्वल टू 0 डाल दिया जाए, तो टी इक्वल टू 0 डाल दो, टी इक्वल टू 0 डाल दिया यहां पे, तो इसी इक्वेशन पे टी इक्वल टू 0 डालने तो क्या आएगा वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ टेन इनवर्स बी वाई, साइन ऑफ टेन इनवर्स बी वाई ये क्या चीज है भाई, टेन इनवर्स बी वाई मतलब ये वाला अपन बात कर रहे थे कि ये बी है और ये ए है, ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो साइन इसका की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एंगल है थीटा एंगल, थीटा एंगल हो गया टेन इनवर्स बी वाई है, मुझे क्या निकालना है इसका साइन निकालना, तो बी डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वाई इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा कितना है बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काटा पीटी कर ली जाए ये हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई बी। तो पार्टिकल स्टार्ट कहां से हो रहा है, वाई इज इक्वल टू बी से स्टार्ट हो रहा है, कहां जा रहा है निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो अभी आगे की क्लासेस में बताऊंगा कि अब ये जा कहां रहा है, किधर जा रहा है, उसको निकालना पड़ेगा। होपफुली दोस्तों ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है, एक्सट्रीम पोजिशन कैसे निकालनी है, मीन पोजिशन कैसे निकालनी है। क्लियर, फंडा क्लियर है एकदम। तो दोस्तों अपन लोगों ने इंटीग्रेटेड फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म दोनों में इक्वेशन को पढ़ लिया और फेज के बारे में जानकारी ली। अब बच्चों अपने को दो तीन पॉइंट्स और समझने हैं, कुछ ट्रिक्स समझनी है जिससे कि हम क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर पाए। तो एक तो हमें निकालना होना चाहिए नंबर वन मेन पोजिशन। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पे कि मेन पोजिशन के बारे में पूछता है कि मेन पोजिशन कहां पर। तो मीन पोजीशन अगर इंटीग्रेटेड फॉर्म में इक्वेशन है तो अलग ढंग से निकाल सकते हैं और डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन है तो अलग निकाल सकते हैं। तो अगर डिफरेंशियल फॉर्म में कभी भी इक्वेशन तुम्हारे पास में है और तुम्हें कभी भी मीन पोजीशन निकालनी है तो तुम्हें करना क्या है, करना क्या है कि ये एक्सेलरेशन है। तो मीन पोजीशन क्या होती है, मीन पोजीशन वह पे होती है जहां पर कि एक्सेलरेशन पार्टिकल का जीरो होता है, इट मींस d2x upon dt square is equal to zero। तो आप यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी जीरो डालोगे तो यहाँ से आपने पता लग रहा है कि x is equal to zero, यानी कि x is equal to zero, यानी कि ओरिजिन पर ही मीन पोजीशन है। तो यहाँ पे मोटी मोटी बात क्या हुई कि मीन पोजीशन क्या होती है, जहां पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होता है उसे मीन पोजीशन कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मीन पोजीशन निकालो, तो बट अगर डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो करके तुम मीन पोजीशन निकाल सकते हो। अगर इक्वेशन मान लो इंटीग्रेट फॉर्म में है, y is equal to a sin omega t plus minus phi ऐसा कुछ दे रखा है और तुम्हें इसमें यह पूछा है कि ये बताओ कि इसकी मीन पोजीशन क्या होगी, तो मीन पोजीशन कैसे निकाली जाए। तो मीन पोजीशन निकालने का तरीका ये हो सकता है कि एक तरीका तो ये होता है कि मैं इसे दो बार डिफरेंशिएट कर लूं और दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो डाल दूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि y की किस पोजीशन पर मीन पोजीशन। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो इस पे एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, d by f dt हो जाएगा a omega cos omega t plus 1। एक बार फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, d2y f dt square is equal to here minus a omega square sin omega t plus 5। और चूंकि हम लोगों को क्या निकालना है, हमें निकालना है मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। तो मैं इस एक्सेलरेशन को जीरो डाल दूं, तो अगर मैं यहां पे जीरो डालूंगा तो यहां पे ये वाली क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, यहां पे जीरो, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ये वाली वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वाई इज इक्वल टू बता देगा, यानी कि वाई इज इक्वल टू जीरो पर मीन पोजीशन ऐसा निकाल सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा लंबा जा रहा है तो आप एक काम कर सकते हो कि ये ट्रिक काफी जगह काम में आती है कि आप y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। तो y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो y की मैक्सिमम वैल्यू हो गई प्लस है, y की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई माइनस है। तो यानी कि पार्टिकल माइनस ए से प्लस ए तक जा रहा है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो मीन पोजीशन। तो मिड पॉइंट कहां पे होगा, y इज इक्वल टू जीरो। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आपको समझ में आ गया कि मीन पोजीशन निकालने की, मीन पोजीशन क्या होती है और मीन पोजीशन निकालनी कैसे जाती है। तो ठीक है, एक तो हमने निकाल ली मीन पोजीशन। नाउ अब अपन बात करते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब देखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड, कि लेट
एक इक्वेशन रखी है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय सिक्स, एक इक्वेशन रखी है। अब हमसे ये पूछा गया कि एस एफ एम की इक्वेशन है या नहीं है, एम्पलीट कितना है, टाइम कितना है, एक्सट्रीम पोजिशन कहाँ पे है, मीन पोजिशन कहाँ पे है, वगैरह 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 बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। तो अब कैसे निकालें? तो सबसे पहले दोस्त आप पहले निकालते हैं कि इसकी मीन पोजिशन क्या, मीन पोजिशन का। तो मीन पोजिशन निकालने का तरीका क्या होता है, हम पहले एक्सलेशन निकाल लें, एक्सलेशन यहाँ पे जीरो होगा वो मीन पोजिशन होगी, एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या था कि हम दोनों एक्सट्रीम पोजिशन निकाल लेते हैं तो उसका जो मिड पॉइंट होता है वो मीन पोजिशन होती है। तो चलो ठीक है, पहले मेथड पे ले जाते हैं, हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dy / dt इज इक्वल टू कितना हो गया, b ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई बाय सिक्स। एक बार फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, d2y / dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस पाई बाय सिक्स। तो मालूम है कि मीन पोजीशन वहां पे होती है जहां पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो इस क्वांटिटी को जीरो डाल दिया जाए तो जीरो कहां पे होगी, जहां पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ठीक है भाई, जहां पे ये वाली वैल्यू जीरो है वो मीन पोजीशन, ठीक है इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस बी इंटू जीरो, ये वाली क्वांटिटी जीरो हो गई है। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, ए। तो वाई की वैल्यू ए, यानी कि y इज इक्वल टू a पर मीन पोजीशन है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन निकाल लीजिए, एक्सट्रीम पोजीशन कैसे निकालते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन कैसे बताई थी वही मैंने तुम लोगों को, ये बताई थी एक्सट्रीम पोजीशन होती है वहां पे जहां पर कि y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होती है। तो बेटे आप लोग कैसे निकालोगे, y की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होगी, तो y की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होगी, जहां पे ये वाली वैल्यू कितनी होगी प्लस वन, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, y की मैक्सिमम हो गई a प्लस बी। अब y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, y की मिनिमम वैल्यू हो गई a माइनस बी। क्यों भाई ऐसा क्यों, क्योंकि साइन की मिनिमम वैल्यू माइनस वन हो सकती है, सब शॉर्ट कर दिया, सब निकाल दिया। तो अपने पास पर सब चीज निकल के आ गई कि एक्सट्रीम पोजीशन कहां पे होगी ये निकाल ली, मीन पोजीशन क्या होगी निकाल ली। तो ढंग से समझते हैं, मजा नहीं आया, क्या समझे कि ये तो रहा ओरिजिन, y इज इक्वल टू a पर है मीन पोजीशन, इस पोजीशन पे मीन पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन y मैक्स इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि यहां पे a प्लस बी पर ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसे कहते हैं ep1 एक्सट्रीम पोजीशन 1। और दूसरी कहा है y मिनिमम कहा है a माइनस बी पे, तो यहां पर आना चाहिए a माइनस बी। तो ये हो गया क्या, a माइनस बी, ये हो गया ep। तो पार्टिकल जो है वो SHM जो करेगा बच्चों, वो इसके बीच में कहीं SHM करेगा। वाह भाई वाह, इसका मतलब समझ आ गया अपने को, हम देख रहे होंगे कि ये वही फंड आ गया, मैंने पहले पढ़ाया था कि जरूरी नहीं है कि डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो कॉन्स्टेंट सी होता है, याद है। तो मैंने बताया था कि मीन पोजिशन ओरिजिन से शिफ्टेड होती है, यानी कि ये शिफ्टेड इक्वेशन है, ये समझ आ गया। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे कुछ इक्वेशन दे रखी है ए प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई सिक्स, तो बताओ कि मीन पोजीशन ओरिजिन पर होगी या नहीं होगी। तो भैया नहीं होगी, समझ आ गया। अब तुम्हें इस बात को अच्छे से दिमाग में मैपिंग कर लेना चाहिए कि जब भी इस फॉर्मेट में इक्वेशन आएगी तो वो मीन पोजीशन ओरिजिन पे नहीं होगा, ये मैपिंग कर लो दिमाग पे, ठीक है भाई। ये सब तो निकाल लिया, अब क्या रहेगा निकालने से, अब निकालने से रहेगा कि टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टू पाई डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ टी, कोफिशियंट ऑफ टी तो मिल गई, ये भी आ गया, ठीक है। अब क्या रह गया निकालने से कि भैया इसका फेज क्या है, फेज क्या होता है, मैं बताया था साइन का कोफिशिएंट फेज होगा, तो फेज क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स निकाल लिया। इनिशियल फेज क्या होगा, इनिशियल फेज टी इक्वल टू जीरो डाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा, पाई बाई सिक्स। फिर एक क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है पार्टिकल कहां से स्टार्ट होगा। आजकल ऐसे क्वेश्चन मोर देन वन चॉइस पे क्वेश्चन में जरूर आ रहे हैं कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट होगा। तो ठीक है दोस्त, क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, t इज इक्वल टू जीरो डाल दी जाए क्वेश्चन में, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी साइन टी की और जीरो गई जीरो प्लस पाई बाई सिक्स, तो कितना हो गया ए प्लस बी साइन पाई बाई सिक्स।
साइन थर्टी हाफ तो कितना हो गया ए प्लस बी बाई टू। तो यानी कि पार्टिकल जो स्टार्ट हो रहा है दोस्त वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए प्लस बी बाई टू से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कहीं यहां से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल। पार्टिकल ये जाएगा फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा, कुछ पार्टिकल ऐसे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो अब हमारे समझ में आ गई कि एक इक्वेशन से हम किन किन बातों को निकाल सकते हैं। तो इतनी सारी बातें हमने निकाल ली, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर सारे क्वेश्चन आ भी चुके हैं।